लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। स्पेंसर नाम के इस शख्स ने ट्वीट कर जब अपनी कहानी सुनाई तो उनका ट्वीट तेजी से वायरल हो गया। दरअसल स्पेंसर की टिंडर पर एक महिला से मुलाकात हुई थी। उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी लिया। इसके बाद महिला ने स्पेंसर को कॉल की और डेट के लिए पूछा। स्पेंसर ने हामी भर दी, लेकिन जब ये शख्स महिला के बताए अनुसार न्यूयॉर्क सिटी के यूनियन स्क्वायर पार्क पहुंचा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही। उसने देखा कि वहां 200 लोग खड़े थे। ये 200 आदमी भी उसी लड़की के साथ डेट के लिए आए थे। हैरानी से एक दूसरे को देख रहे 200 लोगों के कंफ्यूजन को नताशा ने जल्द ही क्लियर कर दिया। नताशा ने कहा कि उसके साथ डेट करने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। स्पेंसर ने बताया कि यह सुनने के बाद वे इस आपत्तिजनक स्थिति से तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोग यह खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। कुछ ने पुशअप्स लगाए तो कुछ ने रेसिंग की और कुछ ने बताया कि वे नताशा को डेट क्यों करना चाहते हैं। वहां रुके एक शख्स ने बताया कि उस लड़की ने वो चीजें गिनानी शुरू की जो उसे लड़कों में पसंद नहीं है। उसने लोगों से कहा कि जो लोग उसके बताए सांचे में फिट नहीं बैठते वो वहां से निकल जाएं। ये तो नहीं पता चल पाया कि इस लड़की को कोई डेट मिली या नहीं, लेकिन उसकी इस हरकत से कई लोग नाराज हो गए। जैसे अगर आप ट्रंप को सपोर्ट करते हैं तो निकल जाएं, अगर आपकी लंबी दाढ़ी है तो भी आप जा सकते हैं। इसके बाद उसने एक कॉम्पिटिशन भी कराया। ट्विटर पर कुछ लोगों ने लड़की की आलोचना भी की है तो कुछ ने फनी अंदाज में रिप्लाई किए। एक यूजर ने कहा, उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया गया होता तो लोग ज्यादा नाराज होते।